हाय गाइस, बृष्टि हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर मुझे आप आज नया देख रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। मैं जनरली हॉल वीडियो नहीं बनाती हूँ जो कि ज्वेलरी हॉल है, तो मुझे लगा कि आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। मैं लास्ट कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कर रही थी, जैसे ड्रेसेस वगैरह, शूज़, ज्वेलरी मैं कर रही थी शॉपिंग। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना वो सारा चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। पता चल ही गया होगा कि मैंने कौन सा साइट से ये ज्वेलरी शॉप की है। और ये जो शॉपिंग साइट है, जो ज्वेलरी मैंने शॉपिंग किया है जो शॉपिंग साइट से, वो मेरे लिए भी बिल्कुल ही अननोन था। मैं फेसबुक पेज पे मुझे एक बार ऐड मिला था, मैं काफ़ी बार इसको इग्नोर करती गई, लेकिन उसका जो ऐड आता रहता था हमेशा, वो इतना अट्रैक्टिव था। लाइक उसका जो भी ज्वेलरी कलेक्शंस है, लाइक जहाँ पे पेंडेंट और उसके बाद इयर रिंग्स, उसके बाद बैंगल्स, नेकलेसेस, इतना अच्छा था, इतना आई कैचिंग था। मैं जब भी वो पेजेस का ऐड फेसबुक पे आता रहता था, मैं बहुत टाइम तक इग्नोर की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं और इग्नोर नहीं किया। मैं तुरंत, मुझे कुछ डिज़ाइन इतना अच्छा लगे इयर रिंग्स का, मैंने वहाँ पे क्लिक किया और मैंने जो उन लोगों का जो पेज है वो विजिट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन था, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था, तो मुझे लगा क्यों ना हम ट्राई करते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग किया। तो फर्स्ट जो इयर रिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी वो है रेड कलर, जैसे कि आपको दिख रहा है। पैकेजिंग इसका कुछ ऐसा ही आता है, एक कागज का कुछ, मतलब जो कार्डबोर्ड का पीस होता है वैसा कुछ है, हार्ड टाइप का, और वहाँ पे एक ऐसा स्टिकर दिया हुआ है। और उसका जो अलग सा जो पैकेजिंग था वो तो मैंने रिमूव कर दिया है, तो मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये रेड वाला इयर रिंग आपको दिख रहा होगा, ये कितना अच्छा इयर रिंग है। मीन्स मुझे एक्चुअली ये इयर रिंग ही मैं सबसे पहले टाइम इसको देखी थी, इसको देख के मैंने क्लिक किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था डिज़ाइंस। लाइक मुझे ऐसा लगा था कि हम नॉर्मली जो शॉपिंग मॉल से, और नहीं तो नॉर्मली जो लोकल शॉप से भी जो खरीदते हैं इयर रिंग्स वगैरह, मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा मिलता होगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और प्राइस भी इतना काफ़ी इसका कम था प्राइस, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ। ऐसा कुछ इयर रिंग्स है, तो काफ़ी क्लासी लुक है और कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ ये बहुत अच्छा दिखेगा। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा, इसका प्राइस रेंज भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो सेकेंड जो इयर रिंग मैंने परचेज किया है वो भी सेम पैटर्न है, लाइक इट्स अ रिंग काइंड ऑफ। तो इसका कलर सिल्वर है और वो वाला रेड है, लेकिन डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि थोड़ा सा पर्ल टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। दिखने में तो बहुत अच्छा है ही, कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ सिल्वर का जो टच है कोई भी ड्रेस पे, ऐसा वाला ड्रेस के साथ आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली ये जो सिल्वर कलर का जो है वो रेड कलर से भी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ज़्यादा वैराइटीज़ ड्रेस के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो। रेड वाला सिर्फ आप रेड के साथ ही ट्राई कर सकते हो। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको कोई भी ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा बेसिक करना ही अच्छा रहता है, जैसे कि बेसिक मीन्स आपको सिंपल अगर आप ले रहे हो तो कोई भी ड्रेस के साथ आपका चला जाएगा वो। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जंक ले लो, जैसे कि मैं भी बहुत जंक नहीं पहनती हूँ, थोड़ा सा मैं बीच का पहनती हूँ, खुद बहुत लाइट भी मैं नहीं पहनती हूँ एक्चुअली, और बहुत जंक भी मैं नहीं पहनती हूँ। और ये वाला आपको ज़्यादा जंक भी नहीं लगेगा, बहुत लाइट भी नहीं है और लुक भी बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जो इयर रिंग मैं दिखाऊंगी वो बहुत ही क्यूट सा इयर रिंग है, मुझे ये इतना अच्छा लगा। और ये तो उन दोनों में से भी तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और मुझे मेरा जो फेस है, मैं ज़्यादा एक्चुअली थोड़ा रिंग वाला ही पहनना पसंद ज़्यादा करती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है इसका डिज़ाइन।
तो एक्चुअली मैं जब evastylist.com जो मैं साइट विजिट कर रही थी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन मुझे मिला था, लेकिन मुझे थोड़ा रिंग वाला डिज़ाइन ही लेना था। मेरे पास बहुत सारा इयररिंग्स है, मैं इयररिंग्स का कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा फंकी टाइप का, थोड़ा ट्रेंडी और कुछ भी नया आ रहा है, मतलब स्टाइल कुछ नया निकल रहा है इयररिंग्स का, नेकलेसेस का। ऑब्वियसली सब कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो मैं ख़रीदना थोड़ा पसंद करती हूँ। उसके बाद जो इयररिंग्स मैं दिखाऊंगी वो वाला है कुछ ऐसा इयररिंग, सबको दिख रहा है, ये है सिल्वर कलर का इयररिंग, ये भी बहुत प्रिटी है। आपको ये देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हेवी है, लेकिन ये बिल्कुल ही हेवी नहीं है। मुझे इस इयररिंग्स का सबसे अच्छा जो चीज़ लगा, इसका जो पैटर्न है, इसका जो ड्रॉप्स हो रहा है ना, इस लुकिंग अमेजिंग। एक्चुअली आप देख सकते हो दोनों तरफ दोनों डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। सिल्वर कलर का है और पहनने के बाद एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है। सो गाइज यू कैन सी हाउ अमेजिंग इट्स डिज़ाइन। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रिटी है, कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ आप पहन सकते हो। बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल ही हेवी वेट नहीं है और आपको कान में बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ नहीं, तो आप कोई ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी आप ये ट्राई कर सकते हो, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगे। तो नेक्स्ट मैंने जो परचेज़ किया है वो वाला ये ब्लैक कुछ नेकलेस टाइप का, नेक पीस टाइप का है। और इसका मुझे सबसे अच्छा चीज़ जो लगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लैक धागे में हुआ है, जो कि बहुत ही आजकल का ट्रेंड हुआ है। मतलब ये आप पहनोगे तो आपको बहुत ही एक सिंपल सा लुक, लेकिन सोबर लुक आएगा और बहुत ही यूनिक और सुंदर दिख रहा है। ये आप देख सकते हो पूरा पत्ता जैसा यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैक धागा है। आप कोई भी चूड़ीदार के साथ नहीं तो कोई भी कुर्ती वगैरह के साथ आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लुक देता है। और इसका प्राइस भी बहुत कम है, इसका प्राइस है 129 रुपीज़। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो, इसके साथ आप कोई भी चूड़ीदार कुर्तीज़ वगैरह आप पहन के ज़रूर एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सिंपल ड्रेस भी पहन रहे हो तो अगर आप इसके साथ पहनोगे, मुझे लगता है वो आपका जो सिंपल ड्रेस है उसको भी बहुत कहीं हद तक उसको जो ब्यूटी है वो ड्रेस का वो इंक्रीज करेगा अगर आप ये पहनोगे उसके साथ। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा। इसका आपको लुक मैं फाइनली दिखा देती हूँ। सो या तो मैं नेक्स्ट जो है उसको दिखाती हूँ अभी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो नेक पीस है, ये वाला है ऐसा कुछ, जैसे कि आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा झूमर टाइप का दिया हुआ है नीचे। और यहाँ पे भी ये धागा स्टाइल है, ब्लैक धागा के साथ ये डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ कॉइन टाइप का जो रहता है ना, उसमें कुछ मीना टाइप का कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे ड्रॉपिंग्स है, ये सिल्वर का जो चीज़ है उसका ड्रॉपिंग्स है इधर पे। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो बहुत ही सिंपल है, कुछ गोल्डन कलर का ब्रेसलेट टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेसलेट नहीं है, ये एक नेक पीस है। तो ये आप कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ पहन सकते हो। इसका बहुत सादा मतलब वैरायटी था, जैसे कि 2 लेयर्स 3 लेयर्स का भी अवेलेबल था, लेकिन मुझे और ज़्यादा जंक और नहीं तो हेवी नहीं ख़रीदना था, तो इसीलिए मैं ये वाला ट्राई किया। ये पहनने के बाद बहुत ही सिंपल एक सोबर सा लुक दे रहा है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, 126 रुपीज़। सो यह क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हेवी है, मतलब बहुत लाइट वेट नहीं है, थोड़ा सा हेवी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये पहन लिया है, तो इट्स वेरी सिंपल। और ये जो इसका रिंग जो इसका पैटर्न है वो बहुत ही एक पार्टी टाइप का एक लुक क्रिएट करता है। आप कोई भी पार्टीज में भी अगर जा रहे हो तो ये, अगर आप कोई भी ब्लैक ड्रेस के साथ नहीं तो कुछ ब्लैक टॉप्स के साथ पहनोगे, जो कि सिक्वींस का जो टॉप्स और ड्रेसेस होता है वो सब के साथ अगर आप पहनोगे, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर लुक देगा। बहुत हेवी भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर लुक क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट जो इयररिंग मैंने लिया है आप देख सकते हो, ये पिंक वाला कुछ है, मतलब कुछ पत्ता जैसा पिंक वाला है।
जो मुझे काफी ज्यादा खास कुछ नहीं लगा। इसका भी प्राइस मुझे लगा 98 रुपीज। तो इसको मुझे थोड़ा सा लगा कि उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ये एक ही प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हो इसका लुक कैसा है। ये आप ज्यादा कुछ ड्रेस के साथ ट्राई नहीं कर सकते हो। आपको कुछ पिंक ड्रेस है या व्हाइट कुछ ड्रेस है तो आप ये पहन के ट्राई कर सकते हो। मतलब ठीक है, ओके ओके, सो सो। ये मुझे लगता है थोड़ा सा टीनेजर लोगों को अगर थोड़ा सा फंकी टाइप का कुछ इयर रिंग्स अगर पसंद है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल कुछ ड्रेस के साथ ही पहन सकते हो। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो आप खरीद जरूर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा ये इयर रिंग्स। तो या तो चलती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट जो नेक पीस मैंने लिया है वो बहुत ही छोटू सा, बहुत ही क्यूट सा नेक पीस है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये आप कोई भी टॉप्स वगैरह के साथ आप पहन सकते हो। जैसे कि कॉलेज गोइंग कोई लड़की है, अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मली कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा हार्ट शेप दिया हुआ है और ये 2 लेयर की है। इसका भी प्राइस है 123 रुपीज, बट मुझे लगता है इट्स वर्थ इट क्योंकि इसका लुक जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर एक लुक क्रिएट कर रहा है। तो या आप ये भी ट्राई कर सकते हो। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा बाई है और मुझे लगता है कि evastylish.com का मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो वर्थ इट है। evastylish.com पे आपको मिनिमम 600 रुपीज का शॉपिंग करने से ही फ्री डिलीवरी मिलेगा, मतलब फ्री शिपिंग चार्जेस है। अगर आप 600 रुपीज से कम अमाउंट का ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको 60 रुपीज डिलीवरी चार्जेस देनी पड़ेगी। लेकिन evastylish.com का खासियत यही है कि उसका कलेक्शन इतना अच्छा है, आपको तो मिनिमम 600 रुपीज शॉपिंग हो ही जाएगा। जैसे कि मैंने जब शॉप किया है फर्स्ट टाइम तो आई पेड 839 रुपीज। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया उसको मुझे 839 रुपीज पड़ा था। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ फीलिंग्स है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या कुछ ऐसा है आपके मन में, जैसे कि एक्चुअली नहीं है, evastylish.com पे आप जरूर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा फीलिंग्स हो रहा है फील आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, COD भी कर सकते हो। जैसे कि COD का भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको पैकेज मिलने के बाद आप पैकेज खोल के देख के भी पैसा पेमेंट कर सकते हो। COD का ऑप्शन भी अवेलेबल है और रिटर्न पॉलिसी भी 7 to 10 डेज की है। तो आप अगर रिटर्न करना चाहते हो तो विद इन 7 to 10 डेज उसको रिटर्न कर सकते हो। और जो भी रिटर्न वैल्यू है तो उसका जो वॉलेट है उसमें ऐड होगा, तो वो वॉलेट से आपको नेक्स्ट जो ऑर्डर है आप उसको परचेस कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि रिटर्न की कोई भी ज़रूरत हो सकती है क्योंकि ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द आइटम्स आर वेरी नाइस, वेरी यूनिक, वेरी सोवर। सो या तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और शेयर जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।